जी का अच्छा बच्चा नहीं हूँ। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद दिल्ली सहित देश के कुछ शहरों में हिंसा भड़क गई। चूंकि अंगरक्षक सिख थे, इसलिए इस धर्म से जुड़े लोगों की हत्याएं शुरू हो गई। सिखों के लिए यह दिन कितना भयावह रहा, इसको लेकर 31 अक्टूबर बनाई गई है। फिल्म 31 अक्टूबर 1984 की एक सामान्य सुबह से शुरू होती है। देवेंद्र बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर ऑफिस जाता है। उसकी पत्नी तेजिंदर बाजार खरीदारी के लिए निकल पड़ती है। अचानक इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और सामान्य गति से चल रही दिल्ली में भगदड़ मच जाती है। सरदारों के प्रति लोगों के नजरिए बदल जाते हैं। देवेंद्र और तेजिंदर किसी तरह घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भी वे सुरक्षित महसूस नहीं करते। हिंसा पर उतारू लोग सरदारों के घर पहुंचकर उनकी हत्याएं करते हैं। तेजिंदर और देवेंद्र को उनके घर से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाने का जिम्मा उनके कुछ हिंदू दोस्त उठाते हैं। अरे यहाँ कोई सरदार है? इस विषय पर बहुत कम फिल्म देखने को मिली है, जबकि यह मामला बहुत बड़ा है। इस बात पर कोई शक नहीं है कि फिल्म एक अच्छे उद्देश्य को लेकर बनाई गई है, लेकिन फिल्म की बनावट कमजोर है। इस कारण फिल्म गहरा असर दर्शकों पर नहीं छोड़ पाती। स्क्रिप्ट बेहद कमजोर है। बिना किसी उतार चढ़ाव के एकदम सपाट तरीके से बात को कहा गया है। बेहतर होता कि डॉक्यूमेंट्री ही बना दी जाती, जिससे विश्वसनीयता बढ़ जाती। दर्शक इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि उस दिन क्या हुआ था, और इसी बात को पूरी फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म का फोकस इस बात पर होना चाहिए था कि पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिला, कितनी सरकार आई और गई, उनके द्वारा दिए गए आश्वासनों का क्या हुआ, कहां पर देरी हो रही है, दंगे किन लोगों ने भड़काए थे, लेकिन इन बातों को तो फिल्म में उठाया ही नहीं गया। आज धर्म की कोख में बारूद पल रहा है। बारूद निर्देशक के रूप में शिवाजी लोटन पाटिल को एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन 31 अक्टूबर में वे प्रभावित नहीं कर पाए। कमजोर स्क्रिप्ट के कारण वे भी भटक गए और टाइम पास करते रहे। 31 तारीख की सुबह दिखाने में उन्होंने काफी फुटेज खर्च किए। दहशत भरे माहौल को उन्होंने अच्छी तरह से पेश किया, लेकिन इस गंभीर मुद्दे को प्रभावी रूप से दर्शा नहीं पाए। उनका प्रस्तुतिकरण अत्यंत ही साधारण रहा। जा रहा है कि हमलावरों ने सिख धर्म के नारे लगाते हुए गोलियां बरसाई। अभिनय के मामले में भी फिल्म औसत दर्जे की रही है। वीर दास द्वारा निभाए गए किरदार को बेहद सज्जन, दयालु और सभ्य दिखाया गया है, और वीर इन खासियतों को दर्शाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते दिखाई दिए। सोहा अली खान को बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिले। सहायक कलाकार भी बेअसर रहे। उस कौम ने हमारे देश और धर्म के लिए बलिदान दिया है। फिल्म 31 अक्टूबर ने एक बड़ा मुद्दा जरूर उठाया है। न्याय न मिल पाने की टीस को दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिल्म दर्शकों को झकझोर नहीं पाई। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।